क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.1 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, फिगर दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि ए सी इक्वल टू ए डी और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी है और बी सी और बी डी के बारे में बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, ब्रीफली मैंने नोट करके रखा है गिवन एंड जो शो करना है, और हमें ये भी निकालना है बी सी बी डी के बारे में इक्वल है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं उनको कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। देखिए स्टूडेंट, जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, ए सी इक्वल टू ए डी। तो हमें यहाँ मेंशन करना है गिवन, जो भी स्टेटमेंट लिखे उसको रीजन करना है ये क्यों है। अब ये हो गया। अब दूसरा, ये बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल, इन एंगल को वन एंड टू सपोज कर लें, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, तो एंगल वन इक्वल टू टू ये भी गिवन है, या आप लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट एंगल है। अब देखिए ध्यान से, ए बी, ये जो ए बी है ये साइड कॉमन है। ए बी मतलब इधर भी, इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है। जैसे एक रूम के बीच में वॉल होती है तो दोनों के लिए वर्क कर रही है, तो ए बी इक्वल टू ए बी, तो वी विल राइट हियर कॉमन, कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, किस रूल से हुए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस। अब देखिए स्टूडेंट, ये पूछा गया है कि व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी साइड्स। अब हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या समझा, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे उसके बारे में, बी सी इक्वल टू बी डी, क्यों हुए, इन शॉर्ट सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड।